कई दशकों से जिला जालौन के मार्ग खराब है, लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि रोड बनते नहीं, लेकिन गुणवत्ता विहीन कार्य और ओवरलोड बालू माफियाओं के भारी वाहन निकलने की वजह से मार्ग को 6 दिनों में गड्ढे हो जाते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खराब सड़क पर आज जब क्षेत्रवासियों का आक्रोश फूट पड़ा तो वह एकजुट होकर बीच सड़क पर धरना देने बैठ गए सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने की कवायद शुरू की गई। दरअसल यह घटना है आटा इटौरा मार्ग की, जहां बीतवा के पराशन सहित कई घाट संचालित होते हैं। यहां बालू माफिया दिन रात वाहनों को ओवरलोड करके भारी वाहन निकालते हैं, जिससे सड़क कुछ दिन भी नहीं टिकती है। सड़क खराब होने से लोगों का आना जाना भी दुश्वार हो जाता है। ऐसे में बरसात के दिनों में सड़क की हालत बेहद खराब हो जाती है। जाम लगाए ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह कई बार प्रशासनिक अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद नहीं सुनता। थक हार कर देर रात सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। बीच सड़क पर महिलाओं और बच्चों के साथ धरने पर बैठे लोगों को समझाने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच गए, जहां आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम खोला जा सका। क्या नाम है चाची? कांति। कहाँ की रहने वाली हो? आटा की। अच्छा, आज आप लोग इटौरा रोड पे जाम लगाए हैं, क्या समस्या है और कितने घंटों से जाम लगा है? ये लगा है 3 बजे से। अच्छा, अभी तक जाम खुला नहीं है? ना खुलेगा। अच्छा, कोई अधिकारी मौके पे आया अभी? अभी नहीं आया। अच्छा, तो आप लोग जाम किस वजह से लगाए हैं? हम इस वजह से लगाए कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं जी, गिर गिर जा रहे हैं आदमी, अभी एक मौत हो गई जी अचानक, एम्बुलेंस नहीं जा पाई। बताओ क्या होवे, अगर आदमी के पास एम्बुलेंस आ जाती तो ये खत्म होता आदमी। तो इसको लेके आपने तहसील प्रशासन SDM से किसी से बात की? कोई सुनाई नहीं कर रहे। आप लोगों की बात हुई है, कोई सुनवाई नहीं? हाँ, रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर जी रोड नहीं बनेगा तो जाम नहीं हटेगा। अच्छा, जब तक अभी तक कोई अधिकारी आप लोगों के पास आया? अधिकारी आए, बहुत से आए, परसाल गर्मियों में आए थे, बोल के चले जाते कि अभी बनेगा, रोड में कोई काम नहीं हो रहा। समस्या ये है कि इटौरा रोड कम से कम 6 महीने से बिल्कुल निर्जल बेकार हो चुका है, और समस्या जो है कि यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और कोई पढ़ने लिखने नहीं जा पाता, ना आम आदमी जो है कहीं जा पाता है। रोड बिल्कुल गड्ढे पे गड्ढे हैं, 10 फुट पे गड्ढे हैं, पूरा रोड जर्जर हो चुका है। आज जो है इसलिए जाम लगाया गया है कि या तो ये बन जाए या तो कभी ना बने। अच्छा, इसको लेके आपने पहले कभी तहसील प्रशासन से या जिला प्रशासन से कोई बात की या कोई पत्र लिखा इसको लेके? इसके बारे में कई लोगों अधिकारियों से विचार करते रहे, मगर भी आश्वासन देते रहे, कहीं कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ? कहीं कुछ तो आप लोग ये जाम खोलेंगे अभी की स्थिति क्या रहेगी? खोलेंगे जब ये बन जाए। अच्छा, आज आप लोग जाम लगाए हैं तो क्या समस्या है, किस वजह से आप लोगों ने जाम लगाया? हम तो साहब जो है निकल नहीं पाते यहाँ पे, हमारे से बच्चे बीमार हैं। अच्छा, तो अभी तक कोई अधिकारी या कोई विभाग का कर्मचारी तहसील स्तर से कोई आया आप लोगों से बात करने? अभी नहीं आए। अच्छा, कितने समय से आप लोग जाम लगाए? 4 बजे से करीब। तो अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? ना। अच्छा, तो आप लोगों की समस्या मेन समस्या क्या है, किस वजह से जाम है? ये निकलने की आने जगह नहीं है भैया। आटा इटौरा मार्ग पर जाम की सूचना थी सर, क्या है मामला पूरा और जाम की कैसे? आज ये आटा इटौरा मार्ग पर ग्रामीणों द्वारा जाम लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल SDM साहब, मैं और SO आटा यहाँ पर पहुँचे, और जो ये मार्ग है क्योंकि इससे भारी वाहन गुजरते हैं, इस जो मार्ग का समय समय पर रिपेयरिंग भी कराई जाती है, बीच में भी रिपेयरिंग कराई गई थी, अभी भी इसमें कुछ गड्ढे हो गए हैं और उन गड्ढों का हमने देखा है, मुआयना किया है, PWD से समन्वय स्थापित कर हम इन गड्ढों पर जल्दी रिपेयरिंग कराएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है सर। यहाँ पे ग्रामीणों ने कुछ आरोप भी लगाए हैं प्रधानों को लेकर, उसको लेकर? हाँ, ऐसे कुछ आरोप लगे हैं, SDM साहब उसकी जांच करेंगे, और भी जो भी कार्रवाई जो डेवलपमेंट वाला काम है वो SDM साहब और हम कोऑर्डिनेशन करके प्रधान से बात करके हम करवाएंगे। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।